अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी कोविड की रूटीन। तो अल्लाह ताला हम सबको कोरोना से बचाए। आइए देखते हैं मेरी कोविड रूटीन। सो गाइस, दिस इज़ अ पल्स ऑक्सीमीटर, लाइफ केयर का है ये, और दिस इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो आप जो है वो बहुत ही हैंडी, आप अपनी सैचुरेशन और पल्स रेट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये हमने लिया हुआ है, मेरी सिस्टर ने दिया है, तो हम इसे अपने को चेक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ आर वेल। अच्छा जी, ये है ह्यूमिडिफायर। तो स्टीम और ह्यूमिडिफायर, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। जैसे अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ड्राइनेस आप फील कर रहे हैं, कफिंग, ड्राई कफ आपको ज़्यादा हो रहा है, या जो है आपकी नोस्ट्रल्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, तो आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं। और स्टीम आपने डेली बेसिस पे लेनी है, तो ये दो चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये स्पेशली ह्यूमिडिफायर मैंने मंगाया था, ये भी लाइफ केयर का है और बहुत अच्छा है। यानी काफ़ी सारे ह्यूमिडिफायर देखने के बाद ये एक वाहिद था जो रिलायबल लगा मुझे। तो और बाकी इसकी वर्किंग भी बहुत अच्छी है। तो स्टीम, ह्यूमिडिफायर, ये दो चीज़ें भी फॉलो करनी है आप लोगों को ज़रूर। ये मेडिसिन है जो मैं ले रही हूँ कोरोना में, जस्ट 2 टेबलेट्स ऑफ पैनाडॉल एंड 1 फिग्लिट डी रात में ये ले रही हूँ। और इसके अलावा जो है होम रेमेडीज़ हैं और हर्बल है, डाइट बहुत अच्छी हम मैंने अपनी की हुई है, तो वो सब रूटीन भी मैं आपको बताऊँगी। गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि कोविड में हमारी साइड टेबल का क्या हाल है। देखिए, मैंने गिलास सेपरेट किया हुआ है, अपनी नेस्ले की पानी बॉटल है मेरी, ये मेरे पास ऑक्सीमीटर रखा हुआ है, और जो है मेडिसिन है, सैनिटाइज़र है, और मेरे पास CC1000 रखी हुई है, फॉलिक एसिड है, और मेरे कोरोना के टेस्ट की एक यूके फिलिप है जो के देख चुके हैं और वो पॉजिटिव आ गया है। और जो है ये सब चीज़ें, फिक्लेट डी और ORS, ये ORS की बॉटल है, तो ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। और जो है साथ में अपने पास की नट्स वगैरह भी मैंने रखे हुए हैं खाने के लिए। और तो बस ये रूटीन है और लाइफ गुजार रहे हैं। मज़ीद अपडेट करेंगे आपको। अब हम देखते हैं कोविड मील की तरफ के हमने कोविड में क्या क्या खाया है। सो गाइस, आज फिर हमारी एक सिस्टर ने खाना भेजा है। थैंक यू सो मच स्वामी, आपने आज खाना भेजा। 2 दिन से भी सानिया बाजी खाना भेज रही थी, मेरी जो बड़ी बहन है, और उन्होंने भी बिरयानी, पसंद की बिरयानी भेजी, और सूप, यखनी वगैरह, मुल्तगानी सूप, कोफ्ते, कबाब, तमाम चीज़ें पसंद की करके भेजी हैं। तो यही वो वक्त होता है जब इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत पेश आती है और पता चलता है कि आपके घर वाले आपकी कितनी केयर करते हैं। तो गरम गरम रोटियां हैं और ये चने की दाल गोश्त है, तो अब हम ये खाएंगे इंशाल्लाह। पालन है जो आया है हमारी सिस्टर के घर से, और तो मज़े का है ये बना हुआ, लेकिन दाल गोश्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है इसकी बिल्कुल खुशबू नहीं आ रही है। टेस्ट तो मुझे अब आने लगा है, लेकिन ये कि खुशबू नहीं आ रही है। गरम गरम रोटियां भी आई हैं और अभी हम अपना डिनर करेंगे, तो बस टेस्ट नहीं आ रहा है। टेस्ट आना लगा है आहिस्ता आहिस्ता, और खुशबू बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो कोई तो लगा लगा बड़ा आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं और हम उनका शुक्र अदा नहीं करते हैं। और बस अब इस फेज से गुजरने के बाद हमें सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, हम चीज़ों का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। तो गाइस, CC1000 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने किसी न किसी फॉर्म में कैल्शियम और विटामिन डी लेना है इम्यूनिटी के लिए। विटामिन सी भी है इसमें, तो यू कैन सी कैल्शियम, विटामिन डी, 3, C, and B6। तो ज़रूर अपना CC का भी एक ग्लास आप लोग डेली ज़रूर लेंगे। ये है यखनी सूप जो कि हमारी सिस्टर ने बना के भेजा है हमारे लिए बहुत ही प्यार से। तो यखनी भी बहुत ज़रूरी है कोविड में, और जितनी आप यखनी पिएंगे
और जितने भी हॉट बेवरेजेस लेंगे तो काफ़ी आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। आप इसमें ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा एसिडिटी का इशू है तो मैंने ब्लैक पेपर को नहीं डाला है, बट बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी हुई है। कल हमने मुल्तानी सूप भी पिया था तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं, इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी। तो अभी हम अपनी यखनी इंजॉय करते हैं। ये है मेरे ड्राई फ्रूट्स और पूरा बाउल भरा हुआ था, और मेरे बहनों के कहने पे अगेन एंड अगेन खाओ 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 खाओ, तो इतने सारे भाई मैंने देखे ख़त्म कर लिए हैं। अभी थोड़े से रहेंगे, ये भी खा लूँगी मैं इंशाल्लाह। तो नट्स आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ एसेंशियल वाइटमिन्स मिनरल्स, तो बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए भी। तो आप लोग भी ज़रूर इसको खाएं और इट विल बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं, फ्रूट्स आपने रॉ ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा तो वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि फाइबर भी जाएगा रॉ के साथ आपका, और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, स्टमक भी अच्छा रहेगा। और फ्रूट ज़रूर खाने, मैं फ्रूट की चाट बनाती हूँ और उसमें थोड़ा सा मिल्क और क्रीम ऐड कर लेती हूँ तो थोड़ा सा यमी सा लगता है, तो वो जब बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो फ्रूट्स का भी ज़रूर इंटेक कीजिए। ये है मिक्स फ्रूट एंड वेजिटेबल और नट्स की चाट, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत इम्प्रूव होगी। इसमें थोड़ा सा क्रीम और मिल्क ऐड किया हुआ है। तो कोरोना में हम लोग ये भी खा रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो रहा और इम्यूनिटी भी बूस्ट हो रही है और पेट भी भर रहा है, और इसकी वजह से बहुत अच्छा सा जायका भी आ रहा है, इन्हें हम इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ये भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये है हमारा फेवरेट भुगियों का ठेला, जहाँ पर पूरे कोविड में हमें बहुत ही आसानी नारियल पानी दस्तियाब हो गया है। बहुत जगहों पे जिन जिन को मेरी फैमिली में भी था तो किसी को भी नारियल पानी नहीं मिल रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये भुगियों का ठेला हमारे लिए एक नेमत बना हुआ था, और हमें यहाँ से इजीली नेचुरल एंड फ्रेश कोकोनट वाटर मिल रहा था डेली बेसिस पे। और ये बिल्कुल जो है इस पार्को रोड के कॉर्नर पे जो है ये एक साहब खड़े हुए हैं, और हम आते हैं यहाँ से कोकोनट वाटर लेते हैं, पीते हैं कोकोनट वाटर ताकि थोड़ा सा हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, हमारी हाइड्रेशन अच्छी हो जाए, और ये के जायका वगैरह बहुत अच्छा था इसका। तो बस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो फॉलो की मैंने, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा फील कर रही थी मैं, एनर्जी वगैरह सारी चीज़ें, और हमने उसको फॉलो किया पूरे कोविड में। आप यहाँ देख सकते हैं इनके इतने सारे नारियल हैं, इतने सारे जो है वो कट भी हुए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि कुछ नारियल के अंदर जो है वो फ्लावर भी होता है जिसको हम कोकोनट फ्लावर कहते हैं, और कोकोनट फ्लावर बिल्कुल लाइक मार्शमेलो टाइप का होता है, और उसके भी बहुत सारे जो है वो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कोकोनट फ्लावर के। तो अगर आप कभी अपने नारियल वाले से ज़रूर पूछिएगा किसी के पास जो है वो कोकोनट फ्लावर मिले तो उसको ज़रूर खा के देखिएगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है, चाहे डायबिटीज़ है या आप किसी और प्रॉब्लम के लिए लेना चाहें। नमाज बहुत ज़रूरी है, कोरोना है चाहे आप बीमार हैं, अगर आप में हिम्मत है तो उठें, वज़ू करें और नमाज पढ़ें, और नमाज के साथ साथ जो कुछ मसनून दुआएं हैं और वो पढ़ें, मंजिल पढ़ें, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा कोरोना में, और जो है आपकी तबीयत बहुत बहाल होगी। तो अभी मैं मंजिल पढ़ रही हूँ। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपनी कोविड की तमाम रूटीन के बारे में बताया, सारी हेल्पफुल टिप्स दी। प्लीज़ सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।